आंखों से छलका चाचा शिवपाल सिंह का दर्द। भतीजे अखिलेश यादव की आचरण से दर्द में है चाचा शिवपाल। बहुत कोशिश की लेकिन भतीजे को नहीं समझा पाए। सपा के लिए आज भी धड़कता है शिवपाल यादव का दिल। मजबूरी में सपा के खिलाफ दम भर रहे हैं चाचा शिवपाल। चाचा शिवपाल सिंह यादव के दिल का दर्द आखिर छलक ही गया है। विधानसभा चुनाव से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक चाचा शिवपाल सपा का साथ देने का मन ही बनाए रखे है, लेकिन हर बार भतीजे की बेरुखी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपना सम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी राह बनाए। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के बाद शिवपाल सिंह यादव के दिल का दर्द आखिरकार जुबान पर आ ही गया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी की तरफ कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। परसों भी यशवंत सिन्हा आए थे लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। राजनीतिक अपरपक्वता की कमी के कारण यह सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमजोर हो रही है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हमला बोला है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा उत्तर प्रदेश आए थे लेकिन शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की और उनसे चुनाव के लिए समर्थन मांगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैंने बहुत पहले कहा था, जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा हम उसे वोट देंगे। इससे पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो ना तो हमें समाजवादी पार्टी ने बुलाया और ना ही वोट मांगा। उस समय रामनाथ कोविंद जी ने वोट मांगा तो हमने वोट दिया। उन्होंने कहा है, कल मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया तो मैं वहां गया। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने मुझसे अच्छी तरीके से बात की। उन्होंने कहा है कि हमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। परसों भी यशवंत सिन्हा आए थे लेकिन नहीं बुलाया गया। राजनीतिक अपरिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमजोर हो रही है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि जब मैंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता तो हमसे भी राय लेनी चाहिए। अगर मेरा सुझाव माना गया होता और उन 100 प्रत्याशियों को टिकट दिया होता जिनका सुझाव हमने एक साल पहले दिया था तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ और होती।